तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग हैं नेदर में, और नेदर में क्यों हैं उसका आंसर मेरे को भी नहीं पता। मैं ऐसे ही आ रखा था जस्ट थोड़ी बहुत माइनिंग करने के लिए, लेकिन मेरे को कुछ नहीं मिला, मैं लावा में गिरते गिरते बचा नहीं इसलिए मैं दोबारा वापस आ गया था इधर। और मैंने सोचा एक वीडियो बना लेते हैं कि हम लोग कितना प्रिपेयर्ड है वॉर के लिए, वो दिखाने के लिए आप लोगों को। तो चलो एक बार चलते हैं ओवर वर्ल्ड में एंड लेट्स गो। मैं खाना खा लेता हूँ अपना। एंड गाइस वैसे ना मैंने कुछ बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल ग्राइंडिंग करी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, वो आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने एक सीक्रेट वेज बनाया वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन रास्ता नहीं दिखाऊंगा, वरना अगर आरत ने मेरी वीडियो देखी तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं पहले, और गाइस यहाँ मेरे पास एक डॉग भी आ चुका है विच इज वेरी क्यूट। नहीं चलो मैं अपना सामान इसमें रख देता हूँ। एंड या अपने पास एंड पर्ल्स तो रखने ही पड़ेंगे, इम्पोर्टेंट एंड डन। ओके भाई मैंने फ्लिंट एंड स्टील तक यूज़ नहीं करा है, और TNT एक भी यूज़ नहीं करा है मैंने, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था। मतलब मैं बार बार गिरने वाला था तो चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से करूँ तो भाई। अरे यार मैं गोल्ड के बूट रखने के आने भूल गया है। तुमसे ना हो पाएगा। चलो अभी हम लोग यहाँ पे ये रख देते हैं एंड लेट्स गो एज़ फास्ट एज़ वी कैन। ओके तो गाइस मेरा सीक्रेट बेस इधर नहीं है, मेरा सीक्रेट बेस बहुत तो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन हाँ इससे तो दूर ही है। और ये है हम लोगों का एक मास्टर लेवल, मतलब सच में मास्टर लेवल है ये ट्रेडिंग हॉल। यहाँ पे सारे लोग मास्टर पे हैं। व्हाई दादा व्हाई, दिस इज बिजनेस। तो बहुत मेहनत लगी थी उसमें। और वन टू थ्री आई थिंक सो ओवर हियर समवेयर राइट, ओ ये रहा। ओके गाइस तो ये वाला नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि यहाँ पे मास्टर तो हैं ऑफ कोर्स, नॉर्मल सी बात है, लेकिन अभी अगर नीचे जाएंगे तो हम लोगों के पास और भी अच्छे लोग हैं जो हमें पैसा ही पैसा होगा शार्पनेस दे रहे हैं, या ये तो हमें डायमंड का आर्मर भी दे रहे हैं, और ये तो अभी नया है, ये मेंडिंग दे रहे हैं, वो ठोर है एमरल्ड की बहुत कम है। एंड ये कितने में दे रहे, ये क्या है पंच वन लुक ऑफ द सी काम का नहीं है, अनब्रेकिंग और डेफ स्ट्राइडर वेरी गुड। सो अभी दो मिनट टूल्स भी खा गए, ओ ये रहा, ओ या गाइस। और ये हम लोगों का नॉर्मल चेस्ट है जिसमें हम लोग कभी भी आके कुछ भी रख देते हैं, या और आज की वीडियो में मेरा एक मेन टॉपिक है कि मेरे को और प्रिपरेशन करनी है जिससे कि मतलब मैं ऑलरेडी तो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड हूँ, लेकिन अभी बहुत और कुछ और भी है जो चाहिए वॉर के लिए, तो वो भी हम लोग लाएंगे पता नहीं कैसे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मतलब अब हम लोग, मैंने ये दीवारें भी बना दी हैं क्योंकि मेरे को सेफ रहना है, अगर वो कोई TNT कैनन लाएगा तो विलेज पे थोड़ी देर बाद ही इफेक्ट पड़ेगा, और तब तक मैं रेडी हो जाऊंगा। और गाइस अभी मैं चलता हूँ अपने सीक्रेट बेस में, और आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरे को आरिथ का विलेज भी मिल गया है। तो गाइस अभी मैं अपने सीक्रेट बेस में आ चुका हूँ, जो कि एंट्रेंस मतलब पहले तो अच्छा ही नहीं लगती, फिर आता है हम लोगों का शूम लाइट, और ये सब कुछ सर्वाइवल में, ठीक है बहुत नेदर में गया हूँ मैं। एंड यस ऑफ कोर्स द आर्मर, ओह माय गॉड, मेरे पास पूरा नेदरराइट का आर्मर है विद गॉड लेवल एन्चेंटमेंट्स। और अगर आप लोगों को लगता है बस आर्मर ही है तो टूल्स भी हैं, पता नहीं ये क्यों बनाया था मैंने, पता नहीं छोड़ो। एंड गाइस या इसके अंदर क्रॉस वो है जो कि बहुत ज़्यादा गजब है, ये देखना बहुत डैमेज देता ही है, मैं खुद इससे बहुत बार मरा हूँ, तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। अबे भाई हैं, चलो अब ये सब कुछ रख देते हैं। नाइस मैंने अपना आर्मर तोड़ दिया। कुछ भी देख रहे हो गाइस कितना पावरफुल है। दो मिनट आर्मर स्टैंड किधर गया,
अरे यार आर्म स्टैंड चले गया, चलो छोड़ो बाद में लगा दूंगा मैं। एंड गाइस यहाँ पे इतने सारे टोटम कैसा है, क्योंकि मैंने बहुत सारी रेड्स कर रही हैं और बाकी की नॉर्मल ही है सामान। तो या अब हम लोग चलते हैं ऊपर, फिर मैं आपको दिखाता हूँ आर्थ का विलेज मेरे को मिल गया है। सो गाइस अभी मैं अपने घर पे आ गया, लेकिन यार रात हो गई तो अभी सो जाते हैं जल्दी से और फिर हम लोग चलते हैं आर्थ के विलेज में। यहाँ से कितना दूर बनाएगा वो, लेकिन हाँ चलो गाइस हम लोग चल लेते हैं अभी, सीधा भागते हैं उसके घर की तरफ। एंड या गाइस वैसे ना अपनी क्या कहते हैं SMP में बहुत समय से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है, मतलब कि कभी आरित बता रहा था जब वो रिकॉर्डिंग कर रहा था कि मेरे विलेज पे लाइटनिंग गिर रही है और उस समय मैं विलेज में नहीं, तो ये क्या क्या ये मैंने तो नहीं बनाया, मेरे पास एक शेयर था जिसमें मेरे घर के जितनी लीव्स आई, लेकिन ये क्या है, ये क्या है पता नहीं क्या है, लेकिन छोड़ो। तो गाइज मैं ना उसके घर के थोड़ा सा पास जाके मिलता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लंबी हो, क्योंकि फिर एडिटिंग में बहुत टाइम भी लगता है ना। 3 hours later गाइज तो मैं अभी आ रही थी घर के पास में तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। ये देखो ये यहाँ पे एक अकेला लोग क्या कर रहे हैं, वो ट्री की लीफ क्या कर रही है, और वहाँ पे आगे तो देखो टी की लीव्स ही नहीं है। हीरो ब्राइन आ गए, मैं सच कह रहा हूँ मेरे को बहुत डर लग रहा है, क्योंकि SMP में भी कोई है नहीं, मैं ही हूँ, ये देख लो बस मैं ही हूँ SMP में। एंड इट इज स्केरी, ऐसा क्यों हो रहा है, हेलो होना तो नहीं चाहिए वैसे ये, मतलब ये पेड़ क्यों आ जाए, ये क्या है भाई, हेलो अरे ये क्या है ये गाइस, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। ठीक है क्योंकि आर्यत अपने घर के विलेज के रास्ते पे तो ये नहीं करेगा, मैं अभी तक एक ही बार आया हूँ, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। बाय द वे माय पार्कोर स्किल्स ओपी, ओके बैठो। चलो गाइस अभी मैं क्या ही कर सकता हूँ इसका, हम मतलब मैं क्या ही करूँ इस पर, क्या को मार सकता हूँ मैं, और क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं ये गया बस, और क्या ही करूँगा मैं। चलो गाइस अभी हम लोग जल्दी से चलते हैं आर्थ का, ओके गाइस ये रहा उसका विलेज, ये रहा उसका घर। सो उसके घर तो मतलब मिल गया, लेकिन ये क्या है, हेलो डायमंड की पिकअप सन ब्रेकिंग एफिशिएंसी समथिंग इज काइंड ऑफ सस, 2 मिनट व्हाट, डोंट टेल मी कि वो अपने घर के छत पे मारा है और उसने SMP लीफ कर दिया, नाइस। चलो गाइस मैं उसका सामान रख देता हूँ, क्योंकि हम लोगों के SMP में ये तो है ना कम से कम कि लड़ाई चल रही है, सामान थोड़े ना ऐसे किसी का चुरा लूँगा मैं। चलो अब इसको रखते हैं, इसी के पिकैक्स यूज़ करके इसी का कोबलस्टोन तोड़ देते हैं। चलो अब इसका सारा सामान चेस्ट में रख देते हैं, पता नहीं मैं इतनी बार रख देते छोड़ो, ओके डन। चलो गाइस अभी मैंने आपको उसका घर तो दिखा दिया है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है उस तरफ में, ये तो अब एक बार आर्यत से बात करनी पड़ेगी कि उसमें कर रहा है या समथिंग इज रियली सस। तो गाइस अभी मैं आपको लोगों से अपने घर पे जाके मिलता हूँ। 2 very boring minutes later तो गाइस अभी मैं अपने घर पे आ गया हूँ, लेट्स गो फाइनली, ठीक है। आई एम गोइंग टू किल यू ऑल, हा हा यू विल नॉट सर्वाइव, ये किसने मजाक करे भाई, बताओ किसने मजाक करे, वो जैसे तो आ नहीं सकता है ना, आ रहे तो ऐसा करेगा क्योंकि एग्जाम खत्म है तो वो तो भाई मजे कर रहा होगा, मैं भी मजे ही कर रहा हूँ ऐसे, लेकिन कुछ तो है जो अपने SMP में हो रहा है। एंड गाइस यार दैट इज द वाटरफॉल, एक बार आपको दिखाता हूँ आपको अच्छे से, ठीक है गाइस, बहुत ही अच्छा वाटरफॉल बनाया मैंने, मतलब कि ऐसा वाटरफॉल है कि तो ठीक है, ये क्या है, ये मैंने नहीं बनाया,
मैंने नहीं बनाया ये, भले वो कह रहा है यार अब कैसे बनाया है। कुछ तो गड़बड़ हो रही है। एंड या गाइस, वो एक स्काई बेस है जहाँ से मैं उसको बहुत से मारूंगा, बहुत ईजी होगा क्योंकि माई एम्स आर वेरी गुड्स। पता नहीं मैं इतनी घटिया इंग्लिश क्यों बोल रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई। चलो मैं अभी आपको ऊपर से दिखाता हूँ कि मैंने कितनी ज़्यादा प्रिपरेशन कर रखी है, मतलब एक छोटी सी वॉर के लिए इतनी प्रिपरेशन, आई डोंट थिंक। और या दिस इज ऑल ओवर माई बेस। एंड यहाँ पे एक बो है जो कि मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन मैंने ऐसे ही बना लिया था ये क्योंकि मेरे को लगा कि इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड या ओ भाई नाइस नाइस एमएलजी स्किल्स सर जी, नाइस, वेरी गुड। एंड गाइस एक बार ये वॉर का सब कुछ ख़त्म हो जाए फिर मेरे को एक स्पॉनर मिल गया है। या आई फाउंड अ स्पॉनर, यहाँ पे है, यहाँ पे एक स्पॉनर है जिससे कि हम लोग कभी भी एक्सपी फार्म बना लेंगे। एंड मैंने एक एक्सपी फार्म वैसे नॉर्मली भी बना रखा है जो बड़ा सा होता है, मतलब ये वाला मेरे को बाद में दो। अभी ये घर कैसे, ये पी क्या है ये, लीफ के पिरामिड, हेलो ये है क्या, ये उधर वो क्या रहा है ये एसएमपी में, और ये चेस्ट, ये तो मेरी पिकैक्स है, और ये घर जला पड़े, वो ऊपर क्या बन रखा है, मेरी है ये एसएमपी है क्या है, पता नहीं हो क्या रहा है, छोड़ो गाइस। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, नहीं रुको आप लोगों को पहले वो वाला एक्सपी फॉर्म दिखा दो। कितनी क्लिप्स बना ली है मैंने अभी तक पता नहीं, हो सकता है वीडियो जितनी होनी चाहिए। चलो गाइस हम लोगों को अभी दिखाना तो पड़ेगा ही, और वो जो शुगर केन फार्म है वो मैंने बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करा है। एंड या दिस इज आर ई द एक्सपी फार्म, इसके नीचे अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने एक भी बार यूज़ नहीं करा है। सो गाइस या दैट्स ऑल फॉर द टुडे वीडियो, एंड होप यू वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय बूम बूम। It's the dream.